सबसे पहला सेटिंग्स है टच सेंसिटिविटी का। इसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स के अंदर, देन यहाँ पर डिस्प्ले ऑप्शन पर जाओगे तो नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद एक ऑप्शन देखने को मिलेगा टच सेंसिटिविटी का, इसको एनेबल कर लो। अब ये इतना जरूरी ऑप्शन क्यों है? फोन परचेस करने के बाद सबसे पहला काम करते हैं हम लोग, अपने फोन के डिस्प्ले के ऊपर प्रोटेक्टर लगाते हैं। तो हो सकता है कि आपके फोन पर स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाने के बाद स्क्रीन का जो टच है वो सही से काम ना करे, तो उसी के लिए ये ऑप्शन दिया है सैमसंग वालों ने अपने सेटिंग्स में। अगर आपके फोन में टच सही से काम कर भी रहा है फिर भी आपको इस ऑप्शन को एनेबल कर लेना, अच्छा ऑप्शन है, एनेबल कर लो। सेकंड फीचर है टेक्स्ट कॉल का। इस फीचर को एनेबल करने के लिए सबसे पहले आपको जाना है अपने डायलर के अंदर, देन ऊपर जो थ्री डॉट वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करो, देन जाओ सेटिंग्स पर और यहाँ पर ही सबसे ऊपर देखने को मिल जाएगा टेक्स्ट कॉल का ऑप्शन, इस पर क्लिक करो, देन इसको सबसे पहले एनेबल करो। एनेबल जब करने जाओगे तो यहाँ पर कुछ लैंग्वेज का ऑप्शन आएगा, इंडिया में अभी हिंदी नहीं आया है, इंग्लिश ही है, तो इसी पर क्लिक करो, देन ओके पर जब आप क्लिक करोगे तो आपका जो गैलेक्सी स्टोर है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हो सकता है आपका एप्लीकेशन अपडेट करने के लिए बोले तो अपडेट कर लेना, उसके बाद जो भी मॉड्यूल है वो जो इंग्लिश हमने सेलेक्ट किया था वो डाउनलोड होगा, देन सब कुछ कंप्लीट हो जाने के बाद ये एनेबल हो जाएगा। अब इसको यूज़ कैसे करना है? अगर मान लो कोई भी कॉल आया है या फिर आपने कॉल किया है और सामने वाला इंग्लिश में बात कर रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा, तो उस केस में यहाँ पर ये ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करो, देन एक अलग पेज ओपन हो जाएगा, जो भी सामने वाला इंग्लिश में बात करेगा वो आपके सामने टेक्स्ट के फॉर्म में आ जाएगा। तो हाँ, ये एक बहुत ही यूज़फुल फीचर हो सकता है अगर आपका इंग्लिश थोड़ा सा वीक है तो। थर्ड फीचर है बिक्सबी असिस्टेंट, और अंडर 20,000 प्राइस रेंज के अंदर आई थिंक सैमसंग के किसी भी फ़ोन पर ये फीचर देखने को नहीं मिलता, मे बी आई एम रॉन्ग, करेक्ट मी इन द कमेंट सेक्शन। अब ये फीचर एनेबल करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सेटिंग्स पर जाना है, देन यहाँ पर सर्च करना है बिक्सबी, उसके बाद इस ऑप्शन पर क्लिक करो बिक्सबी नाम से। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है आपको कि आप बिक्सबी को वॉइस कमांड से कैसे एनेबल कर सकते हो, मतलब एक्टिव कर सकते हो, उसके लिए इस ऑप्शन पर क्लिक करो, देन यहाँ पर दो ऑप्शन है, हाई बिक्सबी और बिक्सबी का, तो कोई भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लो। जैसे कि मैंने यहाँ पर हाई बिक्सबी सेलेक्ट किया है, तो मैं अगर हाई बिक्सबी बोलूँ तो सैमसंग में जो बिक्सबी असिस्टेंट है वो ओपन हो जाता है। अब जो भी मैं कमांड दूंगा, जैसे मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ ओपन यूट्यूब, तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है और यहाँ पर यूट्यूब ओपन हो जाएगा। तो ऐसे ही आप बिक्सबी को भी यूज़ कर सकते हो गूगल असिस्टेंट की तरह। अगला फीचर है कस्टम कैमरा। इसके लिए आपको क्या करना है, विजेट को ओपन करो, देन यहाँ पर देखने को मिलेगा कस्टम कैमरा का ऑप्शन। अगर ऊपर देखने को ना मिले तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करो, सर्च करो, नीचे मिल जाएगा आपको। देन इसको सबसे पहले ऐड कर लो अपने होम स्क्रीन पर, और जब भी आप ऐड करने जाओगे तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन निकल के आएगा। सबसे पहला है नेम चेंज का ऑप्शन, तो यहाँ से आप नेम चेंज कर सकते हो जो टाइल्स नेम है वो। सेकेंड ऑप्शन है स्टार्टिंग मोड, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहले दो ऑप्शन है, रियर कैमरा या फिर फ्रंट कैमरा, तो अपने हिसाब से आप कर लो। देन उसके नीचे और भी बहुत सारे ऑप्शन है, फोटो, वीडियो, फन, प्रो, नाइट मोड, तो कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करो। बेसिकली यहाँ से जो भी सिलेक्ट करोगे आप, फ्रंट कैमरा सेलेक्ट किए हो और नीचे अगर फन सेलेक्ट किए हो, तो आपके फोन पर जब भी आप इस ऑप्शन को क्लिक करोगे तो डायरेक्टली फ्रंट कैमरा में फन जो मोड है वो ओपन हो जाएगा, तो ऐसे आप सेट कर सकते हो। अब जो थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर वो है सेव पिक्चर वीडियोस, मतलब पिक्चर्स और वीडियोस जो भी आप क्लिक करोगे वो कहाँ पर सेव होगा, तो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कोई भी एक फोल्डर सेलेक्ट कर लो जहाँ पर आप सेव करना चाहते हो। देन फोर्थ ऑप्शन है विजेट बैकग्राउंड, तो इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो दो ऑप्शन निकल के आता है। सबसे पहला है कि लास्ट जो फोटो आपने क्लिक किया है वो, और दूसरा है आप फोटो सिलेक्ट कर सकते हो। सो ऐसे ही और भी 6 फीचर के बारे में बताने वाला हूँ मैं इस वीडियो के अंदर, तो अगर वीडियो अभी तक अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल में ऐसे ही अगर सैमसंग से रिलेटेड वीडियोज देखना चाहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अब चलो देखते हैं फिफ्थ फीचर कौन सा। सो फिफ्थ फीचर है गैलरी के अंदर, गैलरी को ओपन करो, देन यहाँ पर कोई भी एक फोटो पर जाओ और फोटो पर कोई भी ह्यूमन या ऑब्जेक्ट कुछ भी हो उस पर लॉन्ग टैप करके रखो, उसके बाद देख पाओगे कि वो ह्यूमन या फिर ऑब्जेक्ट जो भी है उसका कटआउट निकल के आ चुका है, मतलब PNG फॉर्म में। देन इसको आप सेव स्टिकर पर क्लिक करके सेव भी कर सकते हो। अगला फीचर है स्टूडियोज का, ये आपको मिलेगा सबसे पहले गैलरी को ओपन करो, देन जो 3 बार वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करो, नीचे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा गो टू स्टूडियो, इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो एक स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करो, देन यहाँ से जो गैलरी है ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप जो भी एडिट करना चाहते हो, बेसिकली ये एक वीडियो एडिटर है, तो जो भी एडिट करना चाहते हो जैसे फोटोज वीडियोज यहाँ से सिलेक्ट कर लो, देन ये एडिटर पर ओपन हो जाता है और यहाँ से थोड़ा बहुत आप एडिट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि बहुत एडवांस्ड फीचर मिलता है, कुछ बेसिक एकदम बेसिक एडिटिंग कर सकते हो। नंबर 7 पर फीचर है एड ब्लॉकर का। इसके लिए आपको अपने सेटिंग्स एप्लीकेशन को ओपन करना है, देन यहाँ पर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पर जाना है और यहाँ से आपको ऐप ब्लॉकर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो ऐप ब्लॉकर पर क्लिक करो, देन इसको सबसे पहले एनेबल करो। अब एनेबल करने के बाद यहाँ पर नीचे देख सकते हो दो ऑप्शन है, सबसे पहला ऑप्शन है मैसेजिंग ऐप प्रोटेक्शन, सो बेसिकली ये क्या काम करता है, अगर इसको एनेबल करोगे तो आपके मैसेज के अंदर जो भी मेलवेयर मैसेज आएगा
उसको ये ब्लॉक कर देगा। सो ये एक बहुत बड़ी ऑप्शन है। बट जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो है ब्लॉक सॉफ्टवेयर अपडेट बाय यूएसबी केबल। अब हो सकता है कि ये बहुत से लोगों के लिए यूजफुल रहे, कुछ लोगों के लिए यूजफुल ना भी हो सकता है, क्योंकि अगर आपके फ़ोन पर कोई भी प्रॉब्लम आ गया हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि आपके फ़ोन में कुछ यूज नहीं कर पा रहे हो और आपके फ़ोन पर यूएसबी के थ्रू आपका जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल करना है, तो वहाँ पर दिक्कत आ सकता है अगर आप इस ऑप्शन को इनरोल करके रखते हो तो। सो मेरे हिसाब से तो इसको डिसेबल रखो। 8 नंबर फीचर भी आपको सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के अंदर ही देखने को मिल जाता है। सो इसके अंदर एक परमिशन यूजर्स का ऑप्शन है, इस पर जब आप क्लिक करोगे देन यहाँ से आप मॉनिटर कर सकते हो कि कौन कौन सा परमिशन कौन कौन सा एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है। जैसे बेसिकली यहाँ पर कॉन्टैक्ट का परमिशन है, कैमरा परमिशन है, गैलरी परमिशन है, फोटो, तो यहाँ से आप देख सकते हो राइट साइड में कौन कौन सा एप्लीकेशन वो परमिशन यूज कर रहा है। और अगर आपको लगे कि ये एप्लीकेशन इस परमिशन को यूज नहीं करना चाहिए तो सिंपली आप उस पर क्लिक करके उसके अंदर जाकर डोंट अलाउ ऑप्शन पर क्लिक करके उसको डिसअलाउ भी कर सकते हो। अब 9 पर जो फीचर है वो है एज लाइटिंग। सो इस फीचर को इनरोल करने के लिए आपको अपना सेटिंग्स ओपन करना है और जाना है नोटिफिकेशन ऑप्शन पर, और यहाँ पर नोटिफिकेशन पॉपअप स्टाइल का एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करो। देन एज लाइटिंग स्टाइल का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करो और उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट एज लाइटिंग का एक ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ से कोई भी एक एज लाइटिंग स्टाइल को आप सिलेक्ट कर सकते हो, तो अलग अलग टाइप का एज लाइटिंग स्टाइल मिलता है, कोई भी एक सिलेक्ट कर लो। उसके बाद एक ऑप्शन ऊपर देखने को मिलता है कलर का, तो कलर पर जाने के बाद यहाँ से आप कलर भी सिलेक्ट कर सकते हो, अलग अलग कलर है अपने हिसाब से, अपने चॉइस के हिसाब से सिलेक्ट कर लो। उसके बाद एक और ऑप्शन मिलता है एडवांस्ड का। अब इसके अंदर 2 ऑप्शन है, सबसे पहला है ट्रांसपेरेंसी, तो ट्रांसपेरेंसी सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पर, और उसके बाद है ड्यूरेशन, तो यहाँ से आप ड्यूरेशन को भी कम या फिर ज़्यादा कर सकते हो। और इस ऑप्शन को इनरोल करने के बाद जब भी आपके फ़ोन पर कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो जो भी आपने सिलेक्ट किया रहेगा नोटिफिकेशन स्टाइल वो आपको शो करेगा। तो लास्ट वाला फीचर भी आपको नोटिफिकेशन के अंदर ही देखने को मिल जाता है, नोटिफिकेशन हिस्ट्री का। अब ये फीचर बहुत से लोगों के लिए यूजफुल हो सकता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मैसेज सेंड कर देंगे उसके बाद फिर से वो डिलीट भी कर देंगे, तो आप उसको देख नहीं पाते हो कि कौन सा मैसेज था। बट इस ऑप्शन को इनेबल करने के बाद आप उसको देख सकते हो नोटिफिकेशन हिस्ट्री के अंदर। तो बेसिकली क्या करना है, आपका जो नोटिफिकेशन ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है, देन यहाँ पर एक ऑप्शन रहेगा एडवांस सेटिंग्स, इस पर क्लिक करो। देन नोटिफिकेशन हिस्ट्री का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पर क्लिक करने के बाद इसको सबसे पहले इनेबल कर लो, और इनेबल करने के बाद जो भी आपका नोटिफिकेशन आएगा यहाँ पर सेव होता रहेगा। सो फीचर तो बहुत सारा है सैमसंग M35 के अंदर, लेकिन मैंने यही 10 फीचर अभी नोटिस किया तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूं। और अगर आपको पता है कोई यूनिक इंटरेस्टिंग फीचर तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन पर बता सकते हो, मैं आपको क्रेडिट देकर अगले जो पार्ट 2 वाला वीडियो होगा, हाँ इसका पार्ट 2 वीडियो भी आने वाला है, तो पार्ट 2 वीडियो के अंदर मैं वो फीचर मेंशन कर दूंगा। बट पार्ट 2 वीडियो तभी आएगा जब इस वीडियो पर 1K व्यू कंप्लीट होगा। और वीडियो चला तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर नए टॉपिक के साथ, तक के लिए बाय बाय।